बैक टू माय चैनल जीके नगरी। आज मैं आपको भारतीय कुछ मुख्य आयोगों के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कुछ रह गए थे कुछ इसमें बताऊंगा। तो फिर आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो हम उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहले नंबर से हम लोग चालू करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, इससे आपको आसानी होगी। चालू करते हैं हम लोग पहले नंबर से। पहले नंबर में सरकारी कमीशन, यानी ये आयोग हमारा बैठा था 1983 में। और ये इसमें इसमें क्या था कि देख लीजिए, टू एग्जामिन द बैलेंस ऑफ पावर Examine the balance of power between center and state and state between center and state and suggested reforms. इसके बारे में हिंदी देख लेते हैं। इस आयु में राज्य और इस आयु में राज्य केंद्र सरकार के बीच शक्ति के संतुलन की जांच और सुधार का सुझाव दिया गया था। तो इस आयोग में राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्ति होती है, राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति कैसी होती है, जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे राज्य के अंतर्गत पुलिस आती है और केंद्र के अंतर्गत आर्मी आती है, सीएपीएफ वगैरह। तो जैसे कहीं पे हम लोगों को कोई भी दंगे वगैरह हो जाए, वहां पुलिस नहीं आ रही, तो वहां पर क्या कहते हैं, केंद्र सरकार आर्मी या सीआरपीएफ वगैरह भेजती है। तो इस तरीके कुछ 67 शक्ति राज्य के अंतर्गत होती है और 99 शक्तियां कम से कम केंद्र के अंतर्गत होती है। तो इसमें राज्य और केंद्र के बीच में इन शक्तियों के संतुलन की जांच करी गई थी और इसी में सुधार का भी सुझाव दिया गया था। तो यही है इसमें। अभी एक और पॉइंट इसमें वो भी देख लेते हैं। गिव एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन on appointment of governor on appointment of governor। हिंदी में देखते हैं इसके बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति में
राज्यपाल की नियुक्ति में उच्च सिफारिश दी जाए। तो ये हमारे दूसरे नंबर की, इस आयोग में क्या था कि राज्यपाल की नियुक्ति में उचित सिफारिश दी जाए, मतलब राज्यपाल की जब नियुक्ति होती तो वो तो सरकार करती है, केंद्र सरकार, तो इसमें ये कहा गया था कि इसमें मुख्यमंत्री की भी सलाह ली जाए, यानी राज्य सरकार की भी सलाह ली जाए, तो इसमें ये था। अब हम दूसरे नंबर में देखेंगे, दूसरे नंबर में दोस्तों नरेंद्र कमीशन। ये बना था सन 2000 में। इस आयोग में क्या था, स्टडी एंड रिपोर्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ backward of backward classes in state public services। इस आयोग में राज्य सार्वजनिक सेवाओं में राज्य सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़ी जाति का क्या महत्व है। यह अध्ययन किया गया था। इस नरेंद्र कमीशन में यह अध्ययन किया गया था कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़ी जाति का क्या महत्व है और इन्हें कैसे आगे बढ़ाएं, यह अध्ययन किया गया था। दूसरे नंबर में देखते हैं, तीसरे नंबर में है नानावती शाह कमीशन। ये बढ़ा गया था सन 2002 में। नानावती शाह आयोग
आयोग में क्या है देख लेते हैं, टू प्रूव द गोधरा ट्रेन वर्णी इंसिडेंट इंसिडेंट एंड द पोस्ट गोधरा कार्नेज द पोस्ट गोधरा कार्नेज हिंदी देख रहे थे इसके बारे में गोधरा कांड के बाद और गोधरा में ट्रेन चलने के ट्रेन चलने की घटना को साबित करने के लिए या आयोग बनाया गया था इसका मतलब क्या है दोस्तों जब गुजरात में गोधरा दंगे हुए तो उसमें साबरमती ट्रेन जला दी गई थी तो क्या कहते हैं उस वो ट्रेन कैसे जली और कैसे उसमें कितने लोग मरे उसकी जांच के लिए ये समिति बनाई गई थी ये आयोग बनाया गया था गोधरा नानावती शाह आयोग तीसरा नंबर देखेंगे चौथे नंबर में देखते हैं दोस्तों नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के कारण संविधान की कार्य की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ये वाला सन 2000 इस आयोग में था इस आयोग में पहले एडिशन देख लेते हैं सजेस्टेड चेंजेस इन द
changes in the electoral laws. Suggested changes in the electoral laws, setting up a national judicial commission. National Commission for appointing judges. By Lok Sabha. इन्हें देख लेते हैं. इस आयोग में चुनावी कानून में बदलाव का सुझाव दिया गया था. लोकसभा के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव और द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव और न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अदालती आयोग की स्थापना की जाए. इसमें यह था, तो इसमें देखिए, इस आयोग में चुनावी कानून में बदलाव का सुझाव दिया गया था. और बदलाव का सुझाव क्या था कि लोकसभा के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव और न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अदालती आयोग की स्थापना की जाए, मतलब एक और आयोग बनाया जाए और उसमें क्या कहते हैं इन लोगों के इन बदलाव का सुझाव दिया गया था. एक और आयोग बनाया जाए और ये बदलाव किए जाए. तो इसमें ये अगले नंबर में हम लोग देखेंगे, पांचवे नंबर में. पांचवे नंबर में देखिए लिब्रान कमीशन.
आयु। तो ये बना था सन 1992 में, 1992। इस आयोग में कहता है टू इन्वेस्टिगेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्प्यूट्स टू इन्वेस्टिगेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्प्यूट्स ऑफ द डिस्प्यूटेड ऑफ द डिस्प्यूटेड ऑफ स्ट्रक्चर डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद। ऑफ बाबरी मस्जिद हिंदी में देखते हैं। बाबरी मस्जिद की संरचना विवादित बाबरी मस्जिद की संरचना विवादित विनाश की जांच के लिए विनाश की जांच के लिए इसका मतलब है जब 1991 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी तो किसने गिराई, कैसे गिराई, क्यों गिराई, उसकी जांच के लिए ही आयोग बनाया गया था। और कुछ नहीं इसमें इस पांचवें नंबर छठवें नंबर में देखते हैं शाह कमीशन। आयोग ये बना था 1937 में, 1970 में सिंक्वायर इनटू ऑल द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इंडियन इमरजेंसी। नाइनटीन 75 to 77 हिंदी देख लेते हैं। यह आपातकाल उन्नीस सौ 75 से 77 के समय लोगों पर किए गए अत्याचार की जांच के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों
दोस्तों ये आयोग इसलिए बनाया गया था जब हमारे देश में आपातकाल लगा था 1975 से 77 के बीच में, तो उसमें लोगों के ऊपर कैसे अत्याचार या किसी को बेबस मारा गया हो उसकी जांच के लिए आयोग बनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही, सारे कमीशन आपके हो गए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे पिछले वीडियो में बाकी कमीशन है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो वो थे हमारे हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। आज मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बता सकते हैं। आपको अगले सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ हो आपको कुछ जानना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय।